Hello, this is Abhishek Chauhan, and let's welcome on our news portal, Let's Focus. दोस्तों, अब लॉकडाउन में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, पर अभी खबर ये आई है कि आज नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये लॉकडाउन 3 दिन बाद खोला जा सकेगा या नहीं। पर एक बात और भी सामने आई है कि इसमें जितनी भी धार्मिक जगह हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये 14 अप्रैल के बाद भी बंद रहेंगे। और बात करी जाए स्कूल कॉलेजेस की, ये भी अभी नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस अभी सामने आ रहे हैं तो उससे यही लगता है कि चीज़ें अभी क्रिटिकल। बट हाँ, कुछ चीज़ों में रियायत बरती जाएगी, जैसे कि हवाई यात्रा हुआ या रेल यात्रा हुई, इन चीज़ों में। पर हाँ, पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं खोल ली जाएंगी। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं या रेल यात्रा करते हैं तो उसमें ये शर्त रखी जाएगी कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूरी अपनाएं, दूरी रखें लोगों से, क्योंकि सिर्फ 14 अप्रैल के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अभी भी सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि किन किन चीज़ों पर रियायत बरती जा सकती है। हाँ, अभी पूरी तरह से इस लॉकडाउन को खोला नहीं जा सकता। तो आई होप सारी चीज़ें अच्छी रहें। तब तक के लिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपने आप को, अपने घर को साफ रखें, बी सेफ, स्टे होम, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करेंगे तभी हमारे अंदर एक जज्बा आएगा काम करने को लेकर। सो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। टिल देन, बी सेफ, स्टे होम, एंड लेट्स फोकस।